दोस्तों नमस्कार। आपके मेरे YouTube चैनल पर HDB@ साइंस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। मैं आदर सोलंकी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली ही आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासेस लेकर के आता हूं। मैंने अब से पहले दोस्तों आपके लिए कई सारे टॉपिक दिए थे, जो मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए क्या क्या पढ़ाया था। दोस्तों मैंने आपके लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, ये तीन टॉपिक कराए थे। आज मैं आपके लिए जो चौथा टॉपिक लेकर के आया हूँ उसका नाम है मेस्टुअल साइकिल। दोस्तों आइए इस टॉपिक के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम NCERT बुक का भी रिव्यू लेंगे और अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर के इस काम को चालू करेंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो चैनल आप देख रहे हैं HDB@ साइंस क्लासेस, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ पाएं। दोस्तों मैं आइए अपने टॉपिक को हम चालू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपके लिए दिख रहा होगा, टॉपिक का नाम है मेस्टुअल साइकिल। टॉपिक का नाम है मेस्टुअल साइकिल, मासिक धर्म। दोस्तों ये जो मासिक धर्म होता है वह फीमेल प्राइमेट्स में होता है, लेकिन आज हम जो प्राइमेट्स में अध्ययन कर रहे हैं, ह्यूमन का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इट स्टार्ट इन द प्यूबर्टी एज कॉल्ड मीनार्क। ये क्या होता है कि प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होता है, तो इसके स्टार्टिंग की प्रोसेस के लिए हम मीनार्क कहते हैं। दोस्तों प्यूबर्टी की एज होती है लगभग 12 वर्ष के करीब होती है, इस उम्र में ये स्टार्ट होता है। ये जो साइकिल जो पूरा होता है ये लगभग 28 और 29 दिनों के इंटरवल से बार बार रिपीट होता है। इसके जो रिपीटेशन जो पीरियड होता है, इस पीरियड के लिए हम कहते हैं मेस्टुअल साइकिल। दोस्तों जो मेस्टुअल साइकिल जो होता है पूरा, वो 28 से 29 दिन होता है, लेकिन 14वें दिन ओबरी से अंड रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस के लिए हम ओव्यूलेशन कहते हैं। देखिए ओबम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ मेस्टुअल साइकिल, यानी कि 28 दिन का होता है तो बिल्कुल मिडल में ये एग रिलीज होते हैं। ये जो पहली फेज होती है इस फेज के लिए हम बोलते हैं मेस्टुअल फेज, ठीक है। ये जो इस फेज का ड्यूरेशन 3 से 5 दिन का होता है, ठीक है। इस फेज में जो मेस्टुअल फ्लो बाहर आता है, इस फ्लो के साथ साथ में यूटेरस से एंडोमेट्रियम, ब्लड कैपिलरीज और अनफर्टिलाइज्ड एग विद ब्लड के साथ में बाहर आते हैं। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, दूसरी फेज स्टार्ट हो जाती है। इस फेज को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके लिए सेकेंड फेज भी कहा जाता है। इन दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल चेंज इन टू द ग्रेफियन फॉलिकल। इस फेज में क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल होता है उसका परिवर्तन ग्रेफियन फॉलिकल में हो जाता है, और एंड्रोमेट्रियम ऑफ यूटेरस रीजनरेट इन फॉलिकुलर फेज, यानी कि यूटेरस की जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, सरफेस होती है, उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। वो क्या होता है, इसमें पुनः बन जाती है, ठीक। पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन इंड्यूस्ड ओवरी टू जनरेट द ग्रेफियन फॉलिकल। दोस्तों इस फेज में क्या होता है, हमारी पिट्यूटरी से और ओवरीज से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो
ओबरी के लिए ग्रेफियन फोलिकल बनाने के लिए उत्तेजित करते हैं। सेक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच इंक्रीज ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज। दोस्तों ये जो दूसरी प्रवस्था चलती है इसे हम फोलिकुलर फेज कहते हैं। इसमें एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच फोलिकुलर हार्मोन्स का जो लेवल होता है वह बढ़ जाता है। लेवल ऑफ एलएच एंड एफएसएच इंक्रीज मिडल ऑफ दिस फेज यानी कि जो बिल्कुल जो मध्य में जो फेज होती है लगभग वो कौन सा दिन होता है? 14वां दिन होता है। इस दिन क्या होता है? इन दोनों हार्मोन्स का लेवल जो होता है सर्वाधिक होता है। तो एलएच का लेवल बढ़ जाने से क्या होता है कि एलएच हार्मोन्स जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है उसके लिए रैप्चर करता है। इस फिर इससे क्या होता है कि अंड बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। आखिरी जो फेज होती है दोस्तों उस फेज के लिए हम ल्यूटल फेज कहते हैं। ये सबसे अंत में आती है। ये क्या करती है? जो ग्रेफिन फोलिकल का बचा हुआ पार्ट है जिससे ओवम निकल जाता है वह क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम को बनाने का काम करता है। कार्पस ल्यूटियम से बॉस एक एंजाइम सेक्रीट होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये क्या करता है? यूटेरस की जो आंतरिक सतह है एंडोमेट्रियम उसके लिए दोबारा से बना देता है। एंडोमेट्रियम हेल्प इन इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। एंडोमेट्रियम जो यूटेरस की सबसे अंदर वाली परत होती है दोस्तों, यूटेरस में हमने बताई थी कि तीन परतें होती हैं। सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम होती है। तो दोस्तों एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है सबसे अंदर की ओर पाई जाती है। इसी से जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वह आकर के ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। प्रेगनेंसी के दौरान जो मेस्ट्रुअल साइकिल्स में होने वाली जो जितनी भी गतिविधियां हैं वो सभी रुक जाती हैं। मनुष्य में क्या होता है कि जो मेस्ट्रुअल साइकिल है लगभग महिलाओं में 50 के करीब रुक जाता है। इस घटना के लिए मीनोपॉज कहते हैं। दोस्तों स्टार्ट कब होता है? ये हमने बताया था प्यूबर्टी एज में होता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? मीनार कहते हैं। देखिए दोस्तों ये है, इसके लिए हम क्या कहते हैं? मीनार कहते हैं। दोस्तों ये दिख रहा होगा आपके लिए। ठीक है, अब आइए एनसीईआरटी की ओर रुख करते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? देखते हैं दोस्तों, ये टॉपिक आ चुका है। ये है दोस्तों, देखते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। यानी कि जो मेस्ट्रुअल साइकिल होता है वो किस में होता है? फीमेल प्राइमेट्स में होता है, जैसे मंकी में, एप्स में और मानव में। तो ये जो होता है प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होता है। इस घटना को हम मेनार कहते हैं। ठीक, इन ह्यूमन फीमेल्स मेस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट द एवरेज ऑफ इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। यानी कि जो मेस्ट्रुएशन की जो प्रोसेस है फीमेल्स में 28 से 29 दिनों में रिपीट होती है, जिसे हम मेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मासिक धर्म भी कहते हैं इसके लिए हिंदी में। इस चित्र को देखिए दोस्तों,
इसमें देखिए, मैंने अभी आपके लिए तीन फेज बताई थी। पहली फेज बताई थी मेस्टुएशन फेज, दूसरी फेज बताई थी फॉलिकुलर फेज जिसे हम प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं, और तीसरी जो फेज होती है उसे हम ल्यूटल फेज कहते हैं, ठीक है। और ल्यूटल फेज के बाद में क्या होता है, फिर से मेस्टुएशन फेज आ जाती है। और हमने दोस्तों आपके लिए अभी समझाया था, उसे आप देखने का प्रयास करें कि ये जो है ये ओवम फॉर्मेशन की प्रोसेस दिखाई है। देखिए दोस्तों, और ये देखिए, ये 14वें दिन लगभग FSH और LH की जो सेक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और इसी समय क्या होता है, ग्रेपियन फॉलिकल, ये आपके लिए दिख रहा होगा, इसके रैप्चर होने से जो ओवम होता है बाहर आ जाता है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये एंडोमेट्रियम है, ये छूट करके अलग होती है और फ्लूड के साथ में बाहर आती है। आगे देखिए दोस्तों, यानी कि इसमें जो होता है, जो मेजर जो इवेंट होती हैं, इसमें क्या होता है, मेस्टुअल फ्लो बाहर आता है, ठीक है, मासिक धर्म होता है, ठीक है। ये लगभग 3 से 5 दिनों तक ये फेज चलती है, और जो फ्लो होता है उसके साथ साथ एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आती है यूटेरस से, और कुछ ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है, और बेजीना से ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं। इसके पश्चात में दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों मेस्टुएशन जो प्रोसेस होती है वो तभी होती है जब एग फर्टिलाइज नहीं हो। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी तो मेस्टुएशन साइकिल के सारी स्टेप्स जहां की तहां सीज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, अगर कभी कभी क्या होता है, इसका जो मेस्टुएशन प्रोसेस का रुकना केवल प्रेगनेंसी की वजह से ही नहीं, ये स्ट्रेस और पुअर हेल्थ की वजह से भी होता है। और मेस्टुएशन फेजेस फॉलोज बाय द फॉलिकुलर फेज, इसके बाद में फॉलिकुलर फेज आ जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, और प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफिन फॉलिकल बनता है, ठीक है, और एंड्रोमेट्रियम दोबारा बन जाती है इस फेज में। इसमें क्या होता है, ओबरी में परिवर्तन होता है, इसमें कुछ हार्मोन्स बनते हैं, हमने बताया था LH एंड FSH। देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे LH और FSH का जो लेवल होता है बढ़ जाता है, ठीक है, फॉलिकुलर फेज। और फिर क्या होता है दोस्तों, जब LH और FSH बढ़ जाते हैं और ये लगभग 14वें दिन पीक लेवल पे होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा सेक्रीशन इनका कब होता है, 14वें दिन होता है। तो LH के प्रभाव के कारण जो फॉलिकुलर जो फॉलिकल है, ग्रेफिन फॉलिकल होता है, वह रैप्चर हो जाता है, फट जाता है, और उससे अंड बाहर आ जाता है। इस घटना के लिए हम ओव्यूलेशन कहते हैं। दोस्तों जो ओव्यूलेशन होता है इसके बाद में तुरंत ही ल्यूटल फेज प्रारंभ हो जाती है, चित्र में आपने देखी होगी। देखिए दोस्तों, ये प्रोसेस हो रही है ओव्यूलेशन की, और ये कौन सा दिन है, 14वां दिन है, देखिए यहाँ पे। इसके बाद में यहीं से ये देखो ल्यूटल फेज चालू हो जाती है, यहाँ तक फॉलिकुलर फेज थी, पर यहाँ से क्या होता है, यहाँ तक ल्यूटल फेज चालू हो जाती है। ल्यूटल फेज चालू हो जाती है, हमने बताया था अभी आपको। इसके बाद में जो रिमेनिंग जो ग्रेफिन फॉलिकल होता है वह कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है, और कार्पस ल्यूटियम से क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ठीक है। ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है यूटेरस के अंदर उसके लिए दोबारा फॉर्मेशन करता है। ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है ये बहुत ही आवश्यक होती है,
क्योंकि जो फर्टिलाइज एग होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान इसी के साथ जुड़ता है, इस घटना के लिए हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो मेस्टिकल साइकिल की प्रोसेस होती है 50 ईयर्स तक होती है, 40 to 50 यानी कि 45 तक होती है। इसके बाद में ये जो मासिक धर्म का जो चक्र है वो रुक जाता है, इस घटना के लिए हम मीनोपॉज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जब चालू होता है तो मेनार्क कहते हैं, और जब बंद होता है तो उसके लिए मीनोपॉज कहते हैं। दोस्तों आज हमने ये टॉपिक आपके लिए लेके आए थे, और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस टॉपिक के लिए बहुत ही अच्छे से समझा होगा। और मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप हमारे ये जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, इसका नाम है HDB@ScienceClasses, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। दोस्तों हम ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आते रहेंगे, आप इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उनमें इसके लिए शेयर करें। जो भी स्टूडेंट आपके लिए मिले उन्हें हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए दें। तो आज का ये जो टॉपिक था मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये पूरा होता है, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपका दिन बहुत शुभ हो, आप इसी तरीके से पढ़ते रहें। धन्यवाद।